उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जयंत चौधरी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 के लिए हम एक अपना संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं और संकल्प पत्र के माध्यम से 2022 का ये जो विधानसभा चुनाव है उससे कितनी सीटें सधेंगी वो तो आने वाला चुनाव का वक्त ही बताएगा। अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरएलडी के जगह जगह से आए हुए कई समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबसे पहले ये प्रताप चौधरी जी से बात करते हैं, ये पूर्व विधायक रहे हैं। सर, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या कुछ कहा जयंत चौधरी ने, कितनी ऊर्जा भरी उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए, जयंत चौधरी जी ने आज जो पहली बार इस उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र जो घोषणा जो की है, सबसे पहले वो राष्ट्रीय लोकदल ने की है। और इसके पीछे सिर्फ तात्पर्य इसका ये है कि हम जब लोग चुनाव में जाएंगे तो हमारे साथ में जो घोषणा पत्र होगा वो मुद्दे हमारे साथ में होंगे, जिससे जनता को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, किसानों को ये एहसास होगा कि राष्ट्रीय लोकदल ने जो मेरे सामने जो मुद्दा जो पेश किए हैं उसी के आधार पर हम वोट मांगेंगे। अक्सर होता यह है कि जब भी चुनाव होता है और चुनाव से वोटिंग डालने से 2-3 दिन पहले लोग घोषणा पत्र अपना जारी करते हैं, इससे जनता को उस पर डिस्कशन करने का समय ही नहीं मिल पाता है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है जयंत चौधरी जी का, राष्ट्रीय लोकदल का। इसका निश्चित रूप से प्रदेश की जनता पर, नौजवानों पर, किसानों पर, अभी 2-3-4 महीने जो चुनाव के हैं उस पर गहन मंथन करने का समय भी मिलेगा। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा संदेश कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए। और जयंत चौधरी की जो रैली रही आज की, उसमें एक बहुत बड़ा सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, इनसे भी पूछेंगे। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से आए? कुमार ओझा, मैं श्रावस्ती से आया हूँ। ओझा जी, श्रावस्ती से आप आए हैं, और क्या जनसमर्थन देखने को मिल रहा है इस समय? 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या जनसमर्थन मिल रहा है श्रावस्ती से? श्रावस्ती से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से अब हर युवा, बेरोजगार, किसान की एक आशा भरी नजर माननीय जयंत चौधरी जी को देख रहे हैं सर। बिल्कुल, एक युवा सोच, एक युवा जोश की आवश्यकता है इस प्रदेश को। जैसा जयंत चौधरी ने बताया कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, क्या लगता है सर, आपका शुभ नाम क्या है? वीरसेन राठी, जिला मुजफ्फरपुर। क्या लगता है आपको, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा रहने वाली है 2022 के विधानसभा चुनाव में? महंगाई बिल्कुल, ये समझो जी, महंगाई का तो मुद्दा ये है, तो ये सरकार बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। 4 महीने का समय रह चुका है और आने वाले समय में जयंत चौधरी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, युवा नेता है और किसानों के मसीहा है, और जयंत चौधरी का सहयोग सपोर्ट में हम कर रहे हैं। चलिए, इनसे भी बात हो गई, इन्होंने भी यही कहा कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाली है, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकती है। युवा भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विश्वेन चौधरी है, मैं मथुरा। चौधरी जी, कहाँ से आए हैं? मथुरा से आया हूँ मैं। अच्छा, चौधरी जी, आप बताइए, आप एक युवा हैं, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा रहने वाली है इस 2022 के विधानसभा चुनावों में? क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं शिक्षकों का या शिक्षार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग सड़कों पर देखने को मिलता है आए दिन, कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है रोजगार? 100% मुद्दा है बेरोजगारी का, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है युवा, और स्कूलों में, कॉलेजों में उनके एडमिशन भी नहीं हो पा रहे हैं, तो युवा बहुत परेशान है। आगामी कुछ दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ युवा जो है गलत नीतियों पे भी चलने लग गए हैं, जो कि चरस, गांजा और वैसी चीज़ लेने लग गए हैं और चोरी भी करने लगे हैं। तो मैं तो इस सरकार से कहना चाहूँगा कि अपने दिमाग को ठीक कर ले और युवाओं को रोज़गार दे दे, अगर देश और प्रदेश को सही तरीके से इनको चलाना है तो। जैसा जयंत चौधरी ने अपने अभिभाषण में कहा कि 4.5 लाख युवाओं को अगर आपने रोज़गार दिया 5 वर्षों के इस समयांतराल में, तो कहीं ना कहीं आपने प्रदेश के 3% लोगों को भी रोज़गार नहीं दिया, और हम आएंगे तो 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाली है। किसान जो मूल हमारे यहाँ के जड़ हैं, किसान, वो भी लगभग 1.5 वर्षों से ऊपर का समय हो चुका है, किसान आंदोलित है, किसान सड़क पर है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? चुनार से। चुनार से आए हैं, क्या काम करते हैं? हम काम करते हैं बढ़ई का। अच्छा, लकड़ी का। आप ये बताइए कि लगभग 1 वर्ष से ऊपर का समय हो चुका है, किसान सड़क पर है, क्या लगता है कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किसान आंदोलन या फिर ये किसान बिल के विरोध में जो भी प्रदर्शन चल रहा है वो कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है? बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। क्या लगता है आपको? जो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा,
बिल्कुल, हमारे देश का जो अन्नदाता है वो लगभग 1.5 वर्षों से ऊपर का समय हो चुका है और अभी भी सड़क पर है। सत्ता का ऊंट तो किस करवट बैठेगा यह तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा। फिलहाल जयंत चौधरी ने अपने संकल्प पत्र में तमाम मुद्दों के द्वारा तत्कालीन भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम जरूर 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। ऐसी तमाम 22 बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा और आने वाला वक्त बताएगा कि सत्ता किसकी आती है और सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है। वीडियो जर्नलिस्ट उत्कर्ष श्रीवास्तव के साथ पृथ्वेंद्र सिंह विद्रोही, आनंद, लखनऊ। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।